हेलो फ्रेंड्स, आपका हमारा यूट्यूब चैनल में स्वागत है और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल एल्युमिनियम सेंटर पॉइंट। आज हम आप लोगों को दिखाएंगे, जैसे देखिए आप लोग, यहाँ पर जगह बहुत कम है और यहाँ पे हम दो पाला का स्लाइडिंग चलाएंगे। यहाँ पर हमारा 1.5 इंची का जगह है, जगह आप लोग देख लीजिए बहुत कम है, उसमें स्लाइडिंग चलाना है। हम ये वीडियो आप लोग को पूरा दिखाएंगे कैसे चलाए हैं। ये देखिए हमारा 1 इंची का जगह छूटा हुआ है, 1.5 इंची का जगह छूटा हुआ है। जब हमारा फ्रेम लगेगा तो 1 इंची जगह हमारा फ्रेम निकला रहेगा, तो 1 इंची निकला रहेगा तो स्लाइडिंग चलाने में बहुत दिक्कत होता है। तो वही चीज़ हम आप लोग को दिखाएंगे और बताएंगे कि कैसे हम स्लाइडिंग चलाए हैं। अभी हम फ्रेम लगा रहे हैं, फ्रेम बनाने वाला तो बहुत वीडियो बना दिए हैं, आप लोग देखे होंगे। प्रैक्टिकल और थ्योरी दोनों है हमारे यूट्यूब चैनल पर। ये देखिए कैसे हम अभी फ्रेम थोड़ा टाइट बनाए हैं हम, ताकि वो टाइट से पकड़ के रखें। और जब भी आप लोग ठोकिएगा तो देखिए काठ के टुकड़ा पर ठोकने से अच्छा रहता है, क्योंकि जल्दी दागी नहीं होता है सेक्शन पे। अभी हम फ्रेम जाम कर रहे हैं। हम अभी आप लोग को पूरा दिखाएंगे, आप लोग पूरा वीडियो देखिएगा, तब आप लोग को जानकारी हो जाएगा कि जैसे कि 1 इंची भी जगह होने से हमारा स्लाइडिंग बैठ जाएगा। चलिए वीडियो आप लोग देखते रहिए, लास्ट तक हम आप लोग को पूरा प्रक्रिया बता देंगे। अभी जाकर हमारा फ्रेम जाम हो गया। उसके बाद देखिए हम 1 इंची जो नीचे निकला हुआ है, इसी पे हमारा स्लाइडिंग का भार जो रहेगा इसी पे चलेगा, तो इसलिए हमको नीचे वाला जो पर्सन है उसको मजबूत रखना पड़ेगा। हम नीचे में क्या करते हैं कि 1.5 का एंगल है उसको हम कस देंगे एंगल को। देखिए हम आगे एक ठो दागी उगी मार के छेदा कर दिए हैं, अभी देखिए हम एंगल कस रहे हैं। एंगल का मतलब जो निकला हुआ है स्लाइडिंग उसी पर लोड आएगा, इसलिए हमारा जो स्लाइडिंग होगा मजबूत होगा और पाला गिरने का चांस नहीं रहेगा। और नहीं तो पाला गिरने का चांस पूरा रहता है, अगर हम वो चीज़ एंगल नहीं कसेंगे तो पाला गिरने का पूरा चांस रहता है। हमारा 6.5 फुट का जगह है तो इसमें हम 2 एंगल कस रहे हैं, उसी से हो जाएगा। बाकी एक एक स्क्रूप हम साइड में कस दिए हैं, इसलिए हमारा ये फ्रेम पूरा मजबूत होगा।
अभी जाकर हमारा पूरा फ्रेम जाम हो गया है। जैसे कि देखिए हम एंगल भी कस दिए हैं और फ्रेम के चारों साइड जो वॉल साइड है उसको हम स्क्रू कस दिए हैं 1.5 इंची और 2 इंची, 2 इंची दोनों मिलाकर। अभी हमारा एंगल का काम कंप्लीट हो गया है। इसके बाद हम आप लोग को दिखाएंगे पाला चलाकर, देखिए कितना निकला हुआ है सेक्शन। टू ट्रैक का टॉप है, दो पाला वाला स्लाइडिंग है, इसको टू ट्रैक बॉटम टॉप लगा हुआ है। इसमें दो पाला वाला को टू ट्रैक बोलते हैं और तीन पाला रहता है जिसमें तीन पाला चलता है उसको थ्री ट्रैक बोलते हैं। अभी देखिए हम पाला चला रहे हैं, अभी हम आप लोग को दोनों दिखाएंगे पाला चलाकर और लास्ट में लॉक लगाकर दिखाएंगे। हाय फ्रेंड्स, वीडियो अच्छा लगेगा तो वीडियो को आप लोग लाइक कीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अभी देखिए हम पाला चलाकर दिखाएंगे आप लोग को और उसके बाद हम लॉक लगाएंगे। इसमें हम स्टार लॉक नहीं लगाएंगे, मारुति लॉक लगाएंगे। अभी जाकर हमारा पाला चलाना कंप्लीट हो गया। उसके बाद देखिए हम मारुति लॉक लगाएंगे। मारुति लॉक लगाने के बाद हमारा काम कंप्लीट हो जाएगा। हाय फ्रेंड्स, आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ ही साथ बेल आइकन घंटी को भी दबा दीजिएगा ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोग के पास बहुत जल्द पहुँच जाए। हमारे यूट्यूब चैनल पर आप लोग का दोनों मेथड मिलेगा देखने के लिए, प्रैक्टिकल और थ्योरी, इसलिए आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अच्छा लगेगा तो वीडियो को आप लोग लाइक कीजिएगा। अभी देखिए हम मारुति लॉक लगा रहे हैं, लगाने के बाद कंप्लीट हो जाएगा तो हम दिखाएंगे अभी आप लोगों को। जैसे देखिए एक साइड का हमारा लग गया है और इसमें क्या होता है कि एक साइड थोड़ा सा एक पत्ती कसना पड़ता है, क्या है कि इसमें लॉक ऑटोमेटिक नहीं पकड़ता है और एक साइड जो ग्रुप बना रहता है जो पाला अंदर चला जाता है उसमें वहाँ पर लॉक कसने की ज़रूरत नहीं पड़ता है, मतलब वो एक ठो पाती देता है वो कसने की वहाँ ज़रूरत नहीं पड़ता है, एक साइड में कसने की ज़रूरत पड़ता है। अभी जाकर हमारा मारुति लॉक लगाना कंप्लीट हो जाएगा। कंप्लीट होने के बाद हम आप लोगों को दिखाएंगे।
देखिए कंप्लीट, हमारा लॉक लगाना कंप्लीट हो गया। उसके बाद देखिए, हाय फ्रेंड्स, वीडियो अच्छा लगेगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।